मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। आखिर तुम हो कौन? अली, नाम में क्या रखा? या खुदा, हम सबको शहजादी को किस बात की सजा दे रहा है तू? हाँ, अच्छा, ये सजा नहीं है, इम्तिहान है। ठीक है, मैं भी नहीं हार मानूंगी। कुछ नहीं खाया ना आपने सुबह से, आपको खाना ही पड़ेगा। ये देखिए, मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची। हाँ, साथी, मिर्ची खाएंगी? हाँ, मिर्ची। हाँ, हाँ शहजादी खाइए। या खुदा, आपका लाख लाख शुक्र है, कुछ तो खा लिया शहजादी ने। और तू? हाँ, हाँ। ये लीजिए शहजादी, हाँ खाइए, और खाइए शहजादी। शहजादी, हाँ शहजादी, आपने क्या किया? आपको भी मिर्ची डाल दी? हाँ शहजादी, बहुत जलन हो रही है। शहजादी, 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 रुकिए शहजादी, शहजादी, शहजादी। वैसे एक बात तो है, तुम्हारा और गुलबदन का निकाह कितनी आसानी से हो गया, पर ना देखो बेचारी शहजादी यास्मीन खुद की मंगनी में तोता बन गई। अब गली कूचे में हर आदमी यही बात कर रहा है। काश मेरे पास भी कोई ऐसा जादू होता, मैं तुम्हें भैंस से मक्खी बना देता और फिर तुम्हारे आस पास ताली बजा बजा कर तुम्हें नचाता। तुम्हारे पास जादू नहीं, पर मेरे पास झाड़ू थे। अम्मी, गुल्लू, सामान, जल्दी, बांधो, जल्दी, 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 गुल्लू, शांत, गहरी सांस, गहरी सांस। अच्छा, अच्छा। अबे गधे के बच्चे, अब सांस छोड़ दे, और बता हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है, हमारी मौत होने वाली है, गुल्लू। नहीं, इस भैंस की जान ले लो, मुझे छोड़ दो। वजीर आला ने मुझे और अपने कुछ खास लोगों को तोते का मतलब शहजादी का ख्याल रखने को कहा था। अरे वो तो कहेंगे ही, तो उनका दाहिना हाथ जो है तुझ पे बड़ा भरोसा करते हैं। अरे अम्मी पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं उनके लिए कटोरी में पानी लेने गया था। वजीर आला कटोरी में पानी पीते हैं? वजीर आला के लिए नहीं, शहजादी, शहजादी यासमीन के लिए। और जब मैं पानी लेकर आया तो शहजादी वहाँ नहीं थी, उड़ के जा चुकी थी, चिड़िया उड़ गई, अब शिकार मेरा होगा। नहीं मेरे बच्चे, गुल्लू सोचो, अगर तुम उस चिड़िया शहजादी को बाकियों से पहले वजीर आला के पास ढूंढ के ले जाओ तो सोचो तो मेरा शिकार नहीं होगा, और वजीर आला बादशाह बनने के बाद मुझे वजीर बना देंगे। मेरी गुल्लू, ऐसा ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इनका मतलब के साथ रहते रहते तुम तो क्या कहा? मैं कहा कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। भोली है? आप तीनों जल्दी जाकर शहजादी को ढूंढिए। चलो। बादशाह सफर या सुल्तान सफर, सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? आगा सुनने में तो दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे अच्छे आप हैं। शाही तख्त तक तो हम पहुंच गए, बस अब इंतजार है हमारे असली मकसद के पूरा होने का। सर, आका माफी चाहूंगा, लेकिन
मैं आपका कोई नकली वफादार तो नहीं जो मुझे इस असली मकसद का इल्म नहीं? मुझे क्यों बताएंगे? बताएंगे बताएंगे। फिलहाल तो तुम इस बात का ध्यान रखो कि शहजादी यास्मीन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और वक्त आने पर तुम्हें क्या पूरे कायनात को पता चल जाएगा। हमारे जिगर के छल्ले, सच बताएं, हम तुम्हें ऐसा मायूस नहीं दिख सकते। बेहतरीन बेहतरीन। आका, माशाल्लाह, अब आप लग रहे हैं बगदाद के शहंशाह। चलिए आका, पूरी आवाम आपका इंतजार कर रही है। बहुत बेहतरीन, हमने सारी उम्र इसी घड़ी का इंतजार किया है। दरवाजा खोलो, बगदाद की आवाम अपने होने वाले बादशाह से मुखातिब होने वाली है। जो हुक्म मेरे आका। तशरीफ लाइए आका। क्या बदतमीजी है। सारे मेहमान कहां पर हैं? मालूम नहीं आका, कहां चले गए? मालूम करो। वजीर आला, आप आ गए। मेरा तोहफा और मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए और मुझे वहां जाने की इजाजत दीजिए। कहां जाने की इजाजत? वहीं जहां सारा शहर पहुंचा हुआ है, बगदाद की आज तक की सबसे शानदार दावत में। और ये दावत दे कौन रहा है? दुनिया की सबसे रईस शख्स अली साहिब। अली? मैं चलता हूं। शराब भिजन, आदमी बहुत जल्दी में है, इसे ऐसी जगह पहुंचाओ कि दोबारा अपने पैरों पर चलने की सोचे तक नहीं। जो हुक्म मेरे आका। ये अली है कौन? लेकिन आका, क्या फर्क पड़ता है कि अली कौन है? बगदाद की इतनी शानदार दावत दे रहा है। चलिए चलते हैं, मैं भी दो तीन डेग बिरयानी खा लूंगा। ये भूखड़ साथ गया तो खाने में ही लगा रहेगा। चलिए। नहीं, तुम ही इंतजार करो। हाँ, क्योंकि हम खुद देखना चाहते हैं कि आखिर वो मनहूस है कौन जिसने आज हमारे इतने अहम दिन पर अपनी दावत रख ली। किस में इतनी हिम्मत हुई कि हमारी दावत का नूर छीन ले? उससे मिलेंगे तो जरूर, सजा भी हम खुद ही देंगे। देखें तो सही, आखिर ये अली है कौन? शहजादी,
शहजादी शहजादी आ जाओ पिंजरे में। शहजादी शहजादी जल्दी से आ जाओ। इस तोते ने तो नाजनीन के तोते उड़ा दिए। शहजादी अगर शहजादी नहीं मिली तो पता नहीं वजीर आला मुझे क्या सजा देंगे। शहजादी ये अम्मी बुखार रह गए। अम्मी अम्मी शहजादी मिली? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कसम सोने की अशर्फियों की, भूख और प्यास के मारे तेरी अम्मी का नाजुक बदन मुरझा सा रहा है। गलत जवाब। दुल्हन की सहेली की तरह आपके आसपास मंडराने वाले आपके शौहर कहाँ हैं? मनहूस का नाम लो, मनहूस हाजिर। कबाब, शाही पनीर, दाल मखनी। इस उजड़े चमन पे फिर से जिन ने कब्जा कर लिया है। कहाँ चलती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बेगम ये सब छोड़ो, अपनी भालू जैसी नाक का इस्तेमाल करो, लजीज खानों की खुशबू आएगी। भालू जैसी मियाँ, खुशबू वाकई उम्दा है। अरे अरे आजा आजा खुशबू आजा 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 आजा। भाई मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, ये खाना मिलवाट के खा लेंगे, आओ गले लग। अरे चोरन दूर हटो, मैं एक शरीफ इंसान के यहाँ से दावत लेकर आ रहा हूँ। दावत? और पता है वहाँ अशरफिया भी दे रहे हैं। अरे हटो। बड़े मियाँ ये बताओ कि ये दावत कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूर नहीं है, बस उस तरफ। हमें उस रईस आदमी से मिलना चाहिए। हाँ, हो सकता है इसमें हमारा कुछ फायदा हो जाए। पर अम्मी शहजादी का क्या? मेरे लौट के आने तक इस जाल में मुझे शहजादी चाहिए, समझे? चल गुल्लू और इसे भी पकड़ो, अगर बगदाद में रहना है ना तो शहजादी को जल्दी से पकड़ लेना, पकड़ लेना। अम्मी चलो। अम्मी उड़ने वाले को कौन रोक सका है? लजीज खाने, मैं भी तुझे खाने आ रहा हूँ। नवाम के कीड़े मकोड़ों को इतनी हिम्मत के बादशाह सफर की दावत में ना आए, इनकी तो खाल उधेड़ेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले उस अलीक। इसी तो बात देखी, लेकिन पहली मरतबा इस कदर की रईसी देख रहे। देखें तो ये आखिर मनुष्य है कौन? ले ले तू भी ले ले, सब ले ले। वजीर आला मेरे घर लेके इच्छा। वजीर आला चलो चलो खो। अस्सलाम वालेकुम। वजीर आला आप आ ही गए, देखिए ना कितना शानदार जश्न है। इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। और आपने वो बागीचे में शरबत से बना हुआ झील देखा? हुजूर यहाँ एक पान भी खाली सोने की वर्क वाली है। एक पान की कीमत कम से कम 10 अशरफियां तो होंगी। 10 अशरफियां? बिल्कुल। हम तो सोच रहे थे कि अजनबियों पर इतना खर्च कौन करता है। अली भाई और कौन?
मैं तो अब तक उनसे मिला नहीं, लेकिन मैं तो उनका कायल हो गया हूँ। मैं भी कायल हो गया हूँ। और अब हम तुम्हें कायल करेंगे। उन दोनों की इतनी औकात, हमारी दावत छोड़ के इस दावत में शरीक हो गए। उन दोनों ने हमारा नहीं बल्कि बगदाद की बेइज्जती की है। उन दोनों को तो हम सजा देंगे ही, लेकिन उससे पहले उस अली को देखना चाहते हैं। ये अली है कहां पर? इससे पूछते हैं। से पूछ रहे हैं। रात को हकीम साहिब से मिलने जाना है। खुदा हाफिज। अंगूठी में लगी ना, ना कोई था और ना कोई होगा। सफर से बड़ा कमीना। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बदतमीज आदमी। तुम्हारे मालिक अली से हम मिलना चाहते हैं। हमारे मालिक अली साहब दिल के बहुत अच्छे हैं। वो अपने नौकरों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि उनके सामने कोई इस तरह बदतमीजी से पेश आए। खूबसूरत है ना? इसमें 300 असली हीरे जड़े हैं और ये काली अली साहब ने फारस से मंगाई। उनके पास दौलत है, शौक है और दिल भी है। खैर, उन्हें यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कहिए, क्या पेश करूं? बस बस बस, बहुत हो चुका। हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारे मालिक इस वक्त कहाँ हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको और कौन जान सकता है। खैर, आपका इंतजार खत्म हुआ। अली साहब आपका इंतजार उस कमरे में कर रहे हैं। जाइए। अब आया भेड़िया शिकंजे में।
नाम में क्या रखा है? अली, नाम में क्या रखा है? सिपाहियों, काला चोर जिंदा है, खत्म कर दो उसे। चार सिपाही, चार तलवार, हर सिपाही के पास एक खंजर, शिकार एक, सिपाही चार, हथियार आठ। मेरी चाले तीन, पहली सिपाहियों को चकमा देकर पर्दे तक पहुंचूंगा। दूसरी इनकी आंखों पर पर्दा डाल दूंगा। और मात तलवार चली तो जिस्म से गर्दन का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए अपनी अपनी खंजरें और तलवारें फेंक दो। भाईजान, मेरा भाई अलादीन जिंदा है? कसम सोने के अशर्फियों की, अलादीन? अलादीन जिंदा कैसे हो सकता है? पूरे बगदाद के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। मम्मी, क्या हुआ, कैसे हुआ वो छोड़ो, और सोचो अगर भाई मेरे भाई अलादीन को ये पता चल गया कि आप दोनों रुखसार चाची के साथ कैसा नौकरों जैसा सलूक करते हैं, तो वो आपके साथ क्या करेगा? कहता था तुमसे उतना काम मत करा, उससे काम चोर। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर ये अलादीन हुआ और उसे ये पता चला कि बादशाह सलामत से हमने झूठ कहा, इसे फटवाया, वो हमारी साजिश थी, तो हमारा क्या होगा? ऊपर वाले को याद कर लो, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। नाज़नीन चाहती थी कि वो बूढ़ी बेवा मरे, लेकिन ये आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा। बेगम, कहा सुना माफ करना, ऊपर मत मिलना। चुप कर लो भाईजान। वज़ीरे आला, आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं ये कोई लाल पीला काला चोर नहीं हूँ, अली हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। जो हुक्म। आप हैं हमारे मालिक जनाब अली साहब। इस दुनिया के सबसे
रईस सौदागर। ये हसीनाओं के दिल में रहते हैं, इनके महल में दौलत के झरने बहते हैं। जुबान के हैं एकदम सच्चे, मन के हैं एकदम साफ, धोखा देने वालों को नहीं करते माफ। ये हमारे भाईजान, अली भाईजान। मोहतरमा, ये आपका मुशायरा बंद कीजिए। ये आपका बड़ा भाई है जी, और हम इनके छोटे भाई चांद चंगेजी, और ये हमारी बड़ी बहन सारा। सारा आपा कहो बेटा। जी सारा आपा। और वो जो बिना ज्यादा झुके सलाम कर रहा है, वो है हमारा निकम्बा नालायक आलसी नौकर चुमरू। आदाब। लोग अक्सर किराए पर मकान लेते हैं, पर तुमने किराए पर तुम घर वाले ले आए। वाह, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? ये जिस्म, ये शक्ल, ये आवाज, हमसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। तुम मौत को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं। और देख लो, आते सही पकड़े गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? वजीर आला, मुझ जैसों की जिम्मेदारी तो अल्लाह मियां खुद उठाते हैं, और मुझ जैसों को इस तलवार की जरूरत नहीं। मेरा सच ही मेरा हथियार। मैं कोई गुनेगार काला चोर नहीं हूं, अली हूं, एक सौदागर जिसके साथ आप सौदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जुमरू, चरण को हमारे बारे में बताओ। बताओ झुमरू। मेरी अंगूठी। अंकारा। अंकारा ये कहना चाहता है जी। हाँ, तुम नहीं, तुम लोग बोलो। बोलने का तो हमें डेढ़ डेढ़ हाथ का तो तू बच्चा है, और 150 गज की तेरी जुबान, कितना बोलेगा चंदू? चंदू? हम और चंदू? हम चंदू नहीं है, हम जान चंगेजी चंदू है। अपनी सारा आपा को माफ कर दे। झुमरू ये कहना चाहता था कि अंगारा नाम के एक शहर में हमारे अप्पा का कारोबार हुआ करता था, और वही झुमरू ने मिला है ना झुमरू? जी जी। तब भी बेकार था और अब भी। वो तो हमारे अब्बू ने इस पे तरस खाके इसे नौकरी पर रख लिया। जी। वैसे रखते तो हमारे जमाने में थे शेर, हाथी, कुत्ता। हाँ, बहुत सारे जानवर थे हमारे पास। वो क्या है, अम्मी को जानवर बहुत पसंद थे। अम्मी और अबू का निकाह हो गया, अबू की तो जैसे किस्मत बदल गई, और फिर वो हीरे जवाहरात उन सब का सौदा करने लगे, और हम अमीर हो गए। और आप देख ही रहे हम कितने रईस हो गए, है ना सारा अप्पा? हाँ चंदू, यही हमारी कहानी है। हाँ जनाब, मैं यही फरमाना चाहता था। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी सी छोटी पड़ गई।
लेकिन इस बार हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे जैसी शक्ल बनाना बंद कर देंगे। अगर मैं साबित कर दूं कि मैं काला चोर नहीं हूं तो तुम्हारे कहने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो कुछ भी करना है हम करेंगे। कमीने चालबाज इंसान के दुश्मन आप लगते तो नहीं, और अगर मैं काला चोर नहीं हुआ तो आप मुझे सजा भी नहीं देंगे, है ना? आपने क्या कहा था कि आपने काले चोरों कहां चुनवाया था? दीवार में। तो काम करते हैं, चलिए वहीं चलते हैं और दीवार को तुड़वाते हैं। अगर उसमें से काले चोर की हड्डी निकली तो मैं सच्चा, और अगर हुई तो मैं झूठा। फिर आप मेरे साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया तुमने, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुम हो कौन। अलादीन होता तो शीर कुर्मी की खुशबू से ही दौड़ा चला आता और आते ही कहता, चांद है मेरी अम्मी के माथे की बिंदी, रात है उसकी आग का सुरमा। जन्नत का असली मतलब होता है अम्मी के हाथ का शीर कुर्मा। आज इतने दिनों बाद खुलकर हंसने का दिल कर रहा है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की तलखी में यादों की मिठास घुल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा अलादीन यहीं कहीं आसपास है। साइमा, हाँ, तुमने सुना वो काला चोर जिंदा है और वजीरे आला ने उसे गिरफ्तार भी करवा दिया है। या अल्लाह, रुखसार बहन को हमें ये खबर जल्द से जल्द देनी होगी। हाँ चलो चलते हैं। आज इतने दिनों के बाद ये इतनी खुश लग रही हैं। इन्होंने अपना शौहर खोया है, अपना बेटा खोया है। साइमा, मैं किस मुंह से इन्हें बताऊं कि वो बेटा वापस आ गया है और सिर्फ दोबारा जाने के लिए। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं अल्लाह अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। साइमा, हम एक काम कर सकते हैं। चलो मकबरे के नजदीक जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हाँ चलो चले। चलो हाय अल्लाह, कितनी भूख लगी है। न जाने वो हाथी और चूहे की जोड़ी कब आएंगे। कब खाना बनाएंगे और मैं कब खाना खाऊंगी। चलो तब तक इन फलों से ही काम चला लेते हैं। ये तोता कहाँ से आ गया? ओए, हट, 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 हट मेरे फलों से, हट, हट। अबे इतरा क्या रहे? जैसे कि तोता रहुआ कहीं की शहजादी।
शहजादी, कहीं ये शहजादी तो नहीं? हाँ हाँ, खाओ खाओ और खाओ, फिर बाद में डंडा खाना। डंडा तो खाना पड़ेगा, वरना तुम मेरे काबू में कैसे आओगी? अगर तुम शहजादी हुई ना, तो आज तुम्हें माला माल हूँ, और नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें बेच के पैसे कमाऊंगी। खाओ। निकल चुकी है, अब बस सिर्फ दुआ करो कि शहजादी मुझे मिल जाए। उनके लिए भी दुआ करना और खुद के लिए भी। शहजादी, शहजादी। अगर मेरी बात मान लेते तो ये नौबत तो नहीं आती। ऐसा लग रहा है खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब आका नहीं बचेंगे। जफर उन्हें खत्म करके हम तीनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, मगर तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें झुमरू, एक खास किस्म का जादू हमारी और जिनी मिनी की हिफाजत करता है। हम महफूज हैं, तुम अपनी सोच लो। हाँ, इस इंसान ने पहले तुम्हारी चोटी काटी थी और इस बार शायद गर्दन। अब तुम क्या करोगे भाई? जीरा राय तेल मलाई कोड़ी भाई, कुछ भी कहना, मगर भाई मत कहना चीनी में, क्योंकि कुछ बातें समझी जाती हैं बस कहीं नहीं जाती। मेरा अलादीन तेरे पास है और तेरी जिम्मेदारी है। उससे कहना कि उसकी अम्मी इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे बहुत याद करती है, उसका ख्याल रखना।
का वक्त हो गया है वजीर आला। अलादीन, 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 अब ये नाम भी कोई नहीं सुनेगा। अपने अम्मी के आंसू, ये मंजर, शहजादी की नफरत, सब कुछ याद है या भूल गए? ये तुम्हारे माथे की शिकन, आंखों में पनपता गुस्सा साफ जाहिर कर दे रहा है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। काले चोर, ये जो माथे पर शिकन की वजह है ना, ये चिलचिलाती धूप है। और रही बात आंखों पर झलकता गुस्सा, तो वो आपके और आपके शहर वालों की वजह से। इसे मेहमानों की इज्जत करना ही नहीं आता। मैंने आप लोगों के लिए कितनी बड़ी दावत। वज़ीरे आला, आप भी कहां ये अली अलादीन की गलत फहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है बड़े काम की चीज है। काम की चीज हमारे किसी काम के। जालिम खान को बुलाया जाए। भी कहां ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है मैं बड़े काम की चीज हूं। होंगे काम की चीज पर हमारे किसी काम के नहीं। जालिम खान को बुलाया जाए। बाप ने क्या चुन के नाम रखा है? तुमसे भी बड़ा जालिम है ये तो। जिन्नों के इंसानों की तरह रो रहे हो। तो क्या करूं? देखो ना आपको कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैं इन्हें अपने सामने मरते नहीं देख सकता। तो उनकी तरफ पीट कर लो, वो भी होगा, वो तुम्हारे सामने नहीं पीछे होगा। बदतमीजों को तमीज की कमीज पहनाने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। बुराई आए घुटनों पे, अच्छाई का गधा ताड़ जैसा, बना दे कांटों के एक झाड़ जैसा। पहला पड़ाव अंगूठी छाप। पहले रो रहे थे, अब नाच रहे हो। सोचो बना रकासा। ये कैसा एहसास है दीदी? मैं बता भी नहीं सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। जालिम खान, इस मकबरे को तोड़ दो। तो
हमारा कहना है कि काले चोर की हड्डियां यहाँ इस मकबरे में है, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि हड्डियां वहां होती हैं जहां जिस्म होता है, और जिस्म यहाँ है। वक्त बदल चुका है, लेकिन ना तुम बदले और ना तुम्हारा अंजाम। गद्दार काले चोर को खत्म करो, गद्दार काले चोर को खत्म करो, 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 खत्म करो। हमारी आवाम भी खातिरदारी का बड़ा शौक रखती है, देख लीजिए, उतावले हो रहे हैं आपकी खातिर करने के लिए। तैयार हूँ, करवाए। तुम नाचना बंद करो और बताओ आका की मदद कैसे करें। एक आप, आपकी आवाम और आपका जल्ला, लेकिन फिर भी पल्ला मेरा भारी है, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ और सच में बहुत वजन होता है वजीर आला। मैं अली हूँ, अलादीन नहीं, और मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगा, भले इसके लिए मुझे वक्त को ही क्यों ना रोकना पड़े। कोई क्यों ना रोकना पड़े, आका ने मुझे इशारा दिया। समझ गई क्या करना है भाई, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। वक्त रुक गया वजीर आला, चलो। शाबाश जिनी मिनी, चीनी से भी मीठी, मैं हूँ चीनी मिनी। आका, यही मौका है, भाग निकलते हैं। नहीं अंगूठी छाप, हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यहाँ सफर को सजा देने और अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ, हम यहाँ से डर के भाग नहीं सकते। और तुम ये इस तरह नाच क्यों रहे हो? ये सब जम गए ना आका, बस इसीलिए। जम तो गए हैं पर ज्यादा देर के लिए नहीं, अब क्या करें? बताता हूँ आप, और चाचा कहाँ हैं? आका, मैं खुजली मतलब खुजली धूप में खड़ा था। अच्छा चाचा, या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। अल्लाह, धीरे अल्लाह, ठीक है? रात में ठंडा पानी मत पिया करिए, इस उम्र में अपना ख्याल रखिए। जालिम खान, जल्दी करो वरना इसी दीवार में तुम्हें चुनवा देंगे। जालिम खान, जल्दी करो। मकबरा तो टूटने भी वाला है, मेरा जादू तो किसी काम ही नहीं आया। तुमने कोशिश तो की ना जीनी मिनी, काश मैं कुछ और कर सकता। जल्दी करो। देखो देखो अंदर हड्डियां हैं कि नहीं।
कुछ मिला? नहीं वजीरे आला। वजीर आला कुछ मिला? वजीर आला ये मिला। ये वही अलादीन का हाथ है ना? बेचारा, बहुत बुरा किया आपने। वजीर आला, ये किसकी हड्डी है? कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त? कौन है जिसे हर छोटी बड़ी चीज में तब्दील होने का 13,000 साल का तजुर्बा है? चचा। हाँ। लेकिन चचा मकबरे में कब गया? वजीर आला, अलादीन का सर लीजिए। वजीर आला आपका इंतजार खत्म हुआ। दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई, अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। सफर को मकबरे में हड्डी और ढांचा मिलेगा, लेकिन वो मेरा नहीं होगा। जो हुक्म मेरे आका। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये अच्छा हुआ वो कमबख्त अलादीन मेरी गुल्लू की तरक्की के रास्ते में कांटा था। हाँ, वो हट गया तो गुल्लू की तरक्की का रास्ता नाज़नीन की गालों की तरह मुलायम साफ। अम्मी, वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं, भाई मेरा भाई था। चुप कर। अब ये सोच कि ये मुसीबत तो हट गई, अब अगर शहजादी नहीं मिली तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसका क्या? अरे हाँ, वजीर आला जैसे ही महल पहुंचेंगे उसे शहजादी के बारे में पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जल्दी चलो, जल्दी चलो, शहजादी को ढूंढते चलो। चल चल चल। उफ, हम पापड़ हैं। इस कमबख्त सिपाही ने हमें धूप में डाल रखा है, सर दुख रहा है, जरा सी छांव में आ जाते हैं। क्या हुआ? वजीर आला, वो हड्डियां हिल रही हैं। पुश्तिन, इस काम को पूरा करो, हड्डियों को बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो सोचिए, कहीं काले चोर की रूह मेरे पीछे पड़ गई तो। पुश्तिन हो तुम दोनों देखो अंदर और क्या चीजें बाकी हैं।
काले चोर की रूह। लगता है हमने काले चोर की रूह को नाराज कर दिया है। इन हड्डियों को हमें फिर से मकबरे में वापस रखना होगा, नहीं तो काले चोर की रूह हम सबको नहीं छोड़ेगी। जादू खत्म हो रहा है, ऐसा हुआ तो चाचा हमेशा के लिए हड्डियां ही बनी रहेंगे। हड्डियों को फौरन मकबरे में वापस डालना होगा। आज पता चल गया कि बगदाद में मेहमान नवाजी के साथ साथ बहादुरी की भी कमी है। इतने बहादुर सिपाही कैसे डर के भाग रहे हैं? जो यहां से गया वो अपनी जान से भी गया। अब हम तुम्हें बताते हैं बहादुर कैसे होते हैं। जादू खत्म हो रहा है, क्या करें? इस मकबरे को बंद किया जाए। घबराइए मत वजीर आला, मैं हूं अली आपका दोस्त। हम दोस्ती और दुश्मनी इतनी जल्दबाजी में नहीं करते। पहले हम तुम्हें जान तो लें। सिपाहियों, इन्हें और इनके घर वालों को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। वज़ीरे आला, आप दुनिया के सबसे रईस सौदागर को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत में जालिम हर रुसवाई देखेंगे। जान तो पहले दे दी, अब दिल की तबाही देखेंगे। देखे हैं तमाशे दुनिया के यार सभी इन आंखों ने, गुजरे कल के खौफ से अब हम तेरी लड़ाई देखेंगे। वाह अली साहब वाह, क्या शेर अर्ज किया है। तुम्हें लगता है हम डर गए? डरे नहीं होते तो आप हमें कैद खाने में नहीं दरबार में बुलाते। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है। सिपाहियों, जनाब अली को बाइज्जत अपने खानदान के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। आका, मैंने आपसे कहा था ना, जफर इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। उसने हड्डियां देख ली फिर भी हमें महल लेके जा रहा है, जहां आपका भाई जीनू होगा। हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास जिन छुपाव कड़े हैं। फिक्र है तो सिर्फ एक ही चीज की,
कि ये दोनों बच्चे कोई गड़बड़ ना कर दे। आजकल के जिन वाह तो वाह, एक मस्करा तो दूसरी नक चढ़ी। नकचड़ी, एक बरस बीत गया, पता नहीं तुम कैसी हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। हम सब महल पहुंच चुके हैं। हमें भी दिखाई दे रहा है। महलों में घुसने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर ऐसा महल पहली बार देख रहे हैं। हमने हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्या देख रहे हैं? जफर की मंजिल, वो शाही तख्त जिसके लिए इसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। और करता रहे। चुपचाप खड़े रहो, वजीरे आला आने वाले हैं। महल वाकई बहुत शानदार है वजीर आला, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे और मेरे घर वालों को यहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? आपने तो उस पीले डाकू की हड्डियां भी डाकू तो... नहीं, काला चोर। हाँ हाँ भाई, काले चोर की हड्डियां देख ली, उसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं कि मैं अली हूँ, आपका दुश्मन नहीं? हमारा यकीन कच्चा और शक पक्का है। जब हमने वो हड्डियां अपने हाथों में ली, न जाने क्यों हमें इस बात का शक हुआ कि वो हड्डियां किसी बच्चे की हैं। अलादीन की नहीं। वो इसलिए क्योंकि अलादीन का जिस्म और उसकी कदकाठी बिल्कुल तुम्हारे किस्म की थी। और तुम अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। सौदागर हूँ वजीर आला, सौदागर के साथ सौदा किया जाता है, शक नहीं, फायदे में रहेंगे। तुम सौदागर हो या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम
बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं और तुम्हारी औकात हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे हीरे के सामने मिट्टी की होती है। एक शेर के सामने गीदड़ की होती है। दुनिया औकात बताती है और अली औकात दिखाता है। दुनिया के सबसे नायाब और कीमती नगीने हैं, लेकिन मेरे लिए चमकते पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इतने महंगे हीरे नगीने, लगता है पहली बार देख रहे हैं। ये नगीना मेरा है। अरे जल्दी जल्दी उठाओ, इतने महंगे नगीने। इतने महंगे, ये नगीना मेरा है। नामा खोलो, हट जा वहां से, वरना तुम सभी को हम कैद खाने में डाल देंगे। कितनी दौलत है तुम्हारे पास? वजीर आला, जिसकी दौलत गिनी जा सके वो रईस किस बात का वजीर आला, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं। जुमरू, वजीर आला को हमारी रईसी के बारे में बताओ। आका हर बार मैं ही मिलता हूं फंसाने को। बोलो जुमरू। क्या बताऊं मैं? अली साहब के पास कितनी दौलत है? इतनी दौलत है कि 1500 साल का तजुर्बा चाहिए इतनी दौलत गिनने के लिए। लोगों के पास खुद का एक कमरा नहीं होता और इनके पास 150 महल है और हर महल में 150 कमरे हैं। ये बड़े बड़े और हर कमरे में 150 खिड़कियां हैं। दिल कर रहा है कि इसे 150 थप्पड़ लगाओ, इतनी बकवास कर रहा है। इनके यहां तो झाड़ू में भी सोने की सीख लगी होती है। इनका जो पैजामा का नाड़ा है वो भी सोने। बस 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 करो, काफी हो गया इतना। आप कितनी तारीफ करोगे जुमरू हमारी यहाँ? अरे अली साहब, आज तारीफ करने दीजिए, आप है ही ऐसा, मैं क्या बताऊं। इनके पास इतनी दौलत है कि दुनिया की सारी सल्तनतें उनके वजीर और उनके शहंशाह के साथ खरीद सकते हैं। यहाँ तक इनके पास तो खुद के 3 अपने बुक उठा, ऊपर उठा दे। सुबेदार गुलबदान, क्या हो गया? कौन है? वजीर आला। तस्लीम बजा लाते हैं। मर गया। वजीर आला यहाँ पर है, वो भी भाई मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल के साथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का इल्म भी है कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जवाब दो गुस्ताख, जवाब दो। बोल गुस्ताख। पर बोलेगा क्या कि शहजादी खो गई है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। माफ कर दीजिए वजीर आला, वो ना मेरे अब्बू की दिमागी हालत उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही है। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए और पता नहीं अब्बू को क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे, तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। ये देखिए, मैं इनको पकड़ते पकड़ते यहाँ महल में आ गया।
अब्बू अब्बू आपको दवाई की ना बहुत जरूरत है, चलो मैं आपको दवाई देता हूँ। चले चले चले। ये अलादीन के घर वाले हैं, अब अगर ये अलादीन है तो इन जाहिलों का इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा सकते हैं। रुको, अपने चहीते अलादीन से नहीं मिलोगे। अलादीन जिंदा है? वजीर आला, खुदा आपका वकार सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपकी वजह से हमें अपने भतीजे के हमशक्ल अली साहब से मिलने का मौका मिला। मतलब ये अलादीन नहीं, उसका हमशक्ल अली है। वो चोर था, फिर भी मेरी शौहर उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। बेगम झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अब हुजूर, मेरा कहने का मतलब है हम उसे बेटे की तरह नहीं अपने बेटे से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन वो कमबख्त सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी काला निकला, काला चोर। इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। क्या? क्या? इसे देखो, हर रईस शकल हूबहू अलादीन से मिलती है, पर वो चोर था। वो गद्दार का बेटा, गद्दार। वजा फरमाया वजीर आला, गद्दार का खून गद्दारी नहीं करेगा तो क्या मेरे गुल्लू की तरह सूबेदारी करेगा? कई बार शमशीर का जख्म भी उतना गहरा नहीं होता जितना लफ्जों का। इस औरता ने मारा तक ये सच बोलते। और इसे देखिए, ये तो मासूम है, बहुत अच्छा। वजीर आला, आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह भूखे भिखारियों को ना मुझ पर मत छोड़िए। सुन सोने की अशर्फियों की, क्या कहा? भूखे भिखारी, भूखा होगा तू, भिकारन तेरी अम्मी, गद्दार तेरा बाप। चुप करो बेगम, बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कुतर के तुम्हारा मुरब्बा बना दूंगी, समझे? हमारे बीच में बोलने की नामाकूल। ये हमारा दरबार है, तुम्हारा घर नहीं, और तुम सब में अकल और तहजीब दोनों की कमी है। सुना, ये तुम यहाँ हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है आप लोग। जी तस्लीम बजा लेते हैं, शब्बा खैर, चलते हैं। सच सच इंसान की जुबान पे आने से पहले आंखों में उतर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो अलादीन अपने चाचा चाची से बहुत नफरत करता था, और ना जाने क्यों तुम उन लोगों को देखकर इतना आग बबूला हो रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। नामाकूल, ऐसा मैंने नहीं, आपने किया था।
उन्हें देखकर आप भी आग बबूला हो गए थे वजीर आला, और जहां तक मुझे पता है कि आप तो अलादीन बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में प्यार तो सुना था, आज पहली नजर की नफरत भी महसूस कर ली। और रही बात उनकी, तो उन्हें देखकर नफरत ना करें तो क्या करें, यहां के लोग इस शहर की तरह वो दोनों भी ना बड़े बदतमीज हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे दरबार में खड़े होकर हमारी बेइज्जती करो, तो चलिए बगीचे में चल के कर देता हूं। लड़के, हम तुम्हारी ज़बान खींच लेंगे। चीमा जल्लाद, याल्ला, पहली बराली की एक झलक देखी और वो बिल्कुल बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है। अच्छा हुआ शहजादी अब तोता बन गई, वरना ना आप उसे देखती ना तो गुस्से के मारे हरी नहीं लाल पीली हो जाती। अगर आप लाल पीली हो जाती ना तो आप उस अली को मारती, और अली को मारती ना तो वो नीला पड़ता तो और नीला पड़ता और नीला पड़ता और नीला पड़ता, फिर वो अपनी जान दे देता। शहजादी आपको दोबारा उस दर से गुजरना पड़ता। दो लोगों की शक्ल कैसे मिल सकती है? अरे मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ भूत ही तो देख लिया है खाला, अलादीन का भूत। अलादीन के जाने के बाद आपने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला है मैं जानती हूँ। अब अगर ये अलादीन नहीं आली है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके सामने ना आए, वरना आप फिर बिखर जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपकी आवाम की दुआएं हैं आपके साथ, और फिर आपकी नेक दिली के आगे इस मुसीबत को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने आपकी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज भी दिया होगा। शहजादी और खाला का रिश्ता कितना प्यारा है, इन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। या अल्लाह अब इनके और कोई इम्तिहान ना लेना। पिद्दी मैं चलती हूँ, बावर्ची खाने में बहुत जरूरी काम है, कोई खास मेहमान आए हैं उसके लिए खास शीरकुरमा बनाने का हुक्म है। जी। जल्लाद, क्या हुक्म है मेरे मालिक? हम बहुत गुस्से में हैं और इन
लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं समझ गया मालिक, आप क्या चाहते हैं। अब ठीक है ना मालिक? इस तरह आप इन लोगों को नहीं देख पाएंगे। बहुत गुस्से में है और हम चाहते हैं कि तुम इन लोगों के सर को हमारे कदमों में डाल दो, समझे? तो आकर एक बार में पूरा हुक्म दे देते। अब दे दिया, समझ आया? आ गया आका मालिक। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा भाई। भाई? भाई जान, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मिर्ची डाल के लजीज बिरयानी बना के आपको खिलाता हूं। बिरयानी? हाँ, बिरयानी मिर्ची डाल के। लेकिन वो बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके उस बिरयानी को खा जाऊंगा। चीमा जल्लाद, क्या है? देख नहीं रहे? अभी मैं इसे डरा रहा हूं। डरा लिया? अब जो कहा है उसे पूरा करो। जो हुक्म मेरे मालिक। चीमा जल्लाद, ये कौन चिल्ला रहा है? चीमा जल्लाद, चीमा जल्लाद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चीमा जल्लाद, मैं चीमा जल्लाद हूँ। चीमा जल्लाद, मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। छोटे मोटे बच्चे को भी नहीं, उसके पास ये कमीना, और ये लड़की भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम सबके आका लगते हो। मेरे मालिक को सब सच सच बताओ। बताओ कि तुम कौन हो, वरना मुझसे प्यारा नहीं, नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा वक्त नहीं लड़के, चल बताओ तुम कौन हो।
आज तक जिस दरबार में भी गया हूँ कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है।